हेलो क्लास 11, कैसे हो? आशा है अच्छी तरह से होगे। नाउ लॉज ऑफ मोशन कंटिन्यू पार्ट बी। इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंडामेंटल एज वेल एज द डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ द लॉज ऑफ मोशन। कैसा कैसा एप्लीकेशंस होता है, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम एंड पुली प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो ए लिफ्ट प्रॉब्लम लाइक दैट ओनली। ओके, लॉज ऑफ मोशन का एप्लीकेशन समझने के लिए कुछ फंडामेंटल को एक बार रिकैप्चुलेट कर रहे हैं। जैसे पहला, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक ऑब्जेक्ट है जो एक टेबल पर या एक सरफेस पर रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का मास m है, एक सरफेस पर रखा हुआ है। तो इस मास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये होगा और वेट किधर लगेगा? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज द वेट, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। और वेट कितना होगा? एम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इन बिटवीन द बॉटम सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस और द टेबल और समथिंग, देन देयर इज अनदर फोर्स विच इज एक्टिंग जस्ट अपोजिट ऑफ इट, अपोजिट ऑफ द वेट, दैट इज दैट एक्ट्स जस्ट अवे फ्रॉम इट, मीन्स जस्ट अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। उसी फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, आर या एन से डिनोट करते हैं। यहाँ आर और एन क्या है, इसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शनरी फोर्स भी बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, वेट इज ऑलवेज इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्शन। मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। ये फर्स्ट कंसेप्ट है। सेकंड कंसेप्ट में आपको, अगर मान लीजिए हमको एक कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट है, इस मूविंग ऑब्जेक्ट पर ये कार्ट है, यहां पर एक फोर्स लग रहा है एफ। अब हम अगर पूछते हैं और कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इस पर एक फोर्स इसका वेट और दूसरा इसका जस्ट अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। और कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो यहां पर आर जो है नॉर्मल रिएक्शन, वो तो वेट को काउंटरैक्ट कर देगा। तो ये किस फोर्स, किस नेट फोर्स से ये आगे बढ़ेगा, हम जान रहे हैं ये इस ओर जा रहा है, इसका मूवमेंट इस ओर है, तो डेफिनेटली ये मूव कर रहा है, तो एफ इज डेफिनेटली ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स कोई पूछेगा, नेट फोर्स तो वो कितना हो जाएगा, कैपिटल एफ जो अप्लाइड फोर्स है माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ऐसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर नंबर थ्री, थर्ड कॉन्सेप्ट, अगर मान लेते हैं एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ये डायरेक्शन में, क्या लग रहा है, ये एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। ये कोई ऑब्जेक्ट था और एक फोर्स इधर लग रहा है, और इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल। तो ये फोर्स न तो हॉरिजॉन्टल है न वर्टिकल है, इसीलिए ये दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा। देयर इज अ रिजोल्यूशन ऑफ द टू कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। अब ये वाला फोर्स एक फोर्स नहीं रहा, अब यहां इसका दो कंपोनेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अगर ये वाला एंगल थीटा है वर्टिकल के साथ, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ थीटा के साथ जो है, एफ कॉस थीटा, जो थीटा के साथ है वो वाला कंपोनेंट एंगल के साथ, ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एच साइन थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस कंसेप्ट। अगर यही वाला चीज ऐसा होता, अगर हमको मालूम है, अगर इसका एंगल हमको
हॉरिजॉन्टल का साथ दिया रहता है ऐसा, ये हॉरिजॉन्टल था और ये वर्टिकल था, तब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो जो थीटा के साथ है वो हो जाएगा कॉस, तो एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा एफ साइन थीटा। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल्स। तो यहां पर देखिए एफ वी इज इक्वल टू कितना एफ कॉस थीटा और एच मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका इसी का कंपोनेंट है, तो ये तो आपका एफ साइन थीटा, ये दोनों कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ एच इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा एफ साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, उससे हम निकाल भी सकते हैं कहाँ से आता है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, ऐसे करके ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, अब ये वाला पार्ट निकाले, सिमिलरली यहाँ पर, वो आप लोग सब पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में। दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट वन इज अ हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, दिस इज अ हॉर्स एंड अ कार्ट। नाउ हाउ द हॉर्स इज मूविंग, द पॉइंट इज दैट हॉर्स आगे कैसे बढ़ता है, यहाँ हम लोग ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि हॉर्स उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना कार्ट लगा रहा है, हॉर्स कार्ट को खींच रहा है, कार्ट भी अपनी ओर खींचेगा अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ। तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है, तो हॉर्स यहाँ पर क्या कर रहा है, हॉर्स इज अप्लाइंग द फोर्स इनक्लाइंडली, एक इनक्लाइंडली ग्राउंड में या सरफेस में एक फोर्स लगा रहा है, दैट इज एक्शन, एक्शन फोर्स, और इसका एक रिएक्शनरी फोर्स यहाँ पर निकल रहा है, यहाँ पर एक इसका रिएक्शनरी फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन, और यही वाला फोर्स जो है, यही जो रिएक्शनरी फोर्स है, ये दो कंपोनेंट में ब्रेक होता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। अब कैसे और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पर, एक तो यहाँ पर ये इसका हॉर्स का एक वेट है, तो वेट वेट नीचे की ओर लगेगा, नीचे की ओर इसका वेट, और यहाँ पर कार्ट का भी एक फोर्स वेट कार्ट का नीचे की ओर लग रहा है वेट, और ये ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, यहाँ ये हॉर्स और कार्ट बंधा हुआ है एक स्ट्रिंग से, तो ये टेंशन इधर भी ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। Now see the same diagram, cart and the horse. I have taken the symbolic horse like that. Cart is having the mass M and horse is having the mass capital M. And this horse and cart is moving in this direction. इस direction में move कर रहा है with an acceleration A. Now as I told you, horse is applying the force inclinedly onto the ground. Action. So this is a normal reaction. Let theta be the angle between the normal reaction and the vertical. Then what happens? Vertical component कितना हो जाएगा? Normal reaction का cos theta. अभी बताया था. और horizontal component कितना हो जाएगा? N sin theta. हमको करना क्या है? हमको इसका finally expression निकालना है. Final, complete system का. ये पहला, ये दूसरा. अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ये टेंशन फोर्स भी है, टेंशन स्ट्रिंग में, कार्ट का टेंशन इस ओर, मतलब क्या है, हॉर्स इसको इस तरफ खींच रहा है और कार्ट भी हॉर्स को इस तरफ खींच रहा है, इसका यहाँ पर कार्ट में क्या हुआ, कार्ट का मास एम है, इसका वेट नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों बैलेंस है, एफ क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसके बीच का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अब हम लोग यहाँ पर पहले हम लोग फॉर हॉर्स हॉर्स के लिए देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या इक्वेशन निकलेगा हॉर्स में। हॉर्स हम देख रहे हैं, हॉर्स इज मूविंग इन द राइट साइड विथ अ नेट फोर्स m into a, इस फोर्स से ये इस ओर जा रहा है, तो ये इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, द अप्लाइड फोर्स, जो इधर फोर्स लगा रहा है कौन, हॉर्स, वो ज्यादा है किससे, और बाकी का फोर्स है टेंशन वाले फोर्स है, राइट। तो यहां पर नेट फोर्स हम लोग क्या लेंगे, नेट फोर्स, तो यहां पर
डेफिनेटली हम लोग फॉर हॉर्स, हॉर्स के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये एक फोर्स इधर ये भी लग रहा था, माइनस अपोजिट, अपोजिट फोर्स कौन सा है, टी, टेंशन। हॉर्स केवल हॉर्स के लिए हम कर रहे हैं अभी, ओनली फॉर हॉर्स। एच इस तरफ फोर्स लग रहा है जो कंपोनेंट था, एच माइनस टी, ये नेट फोर्स, दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास कैपिटल एम है और एक्सेलरेशन ए, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फॉर कार्ट, कार्ट के केस में क्या हो रहा है, हमको तो मालूम है ये पूरा उस तरफ जा रहा है। अब कार्ट के लिए हम लोग देख रहे हैं यहां पर, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो उसका वेट को बैलेंस करेगा, एम इन स्मॉल एम इंटू जी, ये तो बैलेंस होगा, काउंट्रैक्ट हो गया। और साथ में और क्या हो रहा है, यहाँ पर टेंशन भी लग रहा है और इसका एक नेट फोर्स भी है, तो टेंशन, टेंशन जो इस डायरेक्शन में है टी, और साथ में ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है, टी माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू मास ऑफ द कार्ट इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द कार्ट इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर है, फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर कार्ट के केस में क्या हुआ, टेंशन इस ओर, क्योंकि ये कार्ट इस ओर जा रहा है तो डेफिनेटली टेंशन इज ग्रेटर, तो टी माइनस एफ, हमको नेट फोर्स दोनों केस में निकालना होता है, टी माइनस एफ इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर टू। अब हम लोग ये दोनों इक्वेशन को अब हम कंबाइंड हम लोग करेंगे। नाउ कंबाइनिंग, कंबाइनिंग हॉर्स एंड कार्ट, दोनों को कंबाइन करेंगे, कैसे कंबाइन करेंगे, दोनों केस में हम टी का वैल्यू निकालेंगे, तो इक्वेशन वन से टी का वैल्यू, यहां पर ये देखिए इक्वेशन वन से टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल टू एम ए, टी को इधर ले एम ए, टी इज इक्वल टू, और टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से टी को इधर लिया तो प्लस हो गया एच माइनस एम ए, कितना हुआ ना, इक्वेशन टू से भी हम टी का वैल्यू निकालेंगे, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम ए प्लस एफ, यहाँ पर यह है इक्वेशन नंबर फोर। अब दोनों टेंशन का वैल्यू है, तो थ्री एंड फोर से दोनों को हम लोग अगर कंबाइन कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, एच माइनस एम ए, कंबाइन मीन्स दिस कट दिस, तो दिस कट दिस, एम ए प्लस एफ। और हमको निकालना क्या है, एक्सप्रेशन इसको इस तरफ कर देते हैं, ए स्मॉल ए कॉमन आ जाएगा, तो हम इस, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एच माइनस एफ इधर कर दिए, इसको इधर एम ए प्लस कैपिटल एम ए, तो एच माइनस एफ इज इक्वल टू ए स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एच माइनस एफ बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये आया एक्सेलरेशन। अब हम लोग यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आया, एक छोटा सा पॉइंट और है, एच का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो एच का वैल्यू कितना है, एन साइन थीटा, एच 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 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसीलिए। और वी कहाँ गया, वी और इसका जो वेट था ये दोनों काउंट्रैक्ट हो गया, इसका वेट एम इंटू जी, वी इज इक्वल टू एम जी, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है एच उसका वैल्यू है, एच इज इक्वल टू एन साइन थीटा पुट कर सकते हैं, एच इज इक्वल टू एन साइन थीटा, और एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसका भी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, उसका वैल्यू होता है म्यू इंटू आर, आर या एन, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एन लिए हैं तो यहाँ पर कैपिटल एन, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, इसका वैल्यू पुट करके तभी और ले सकते हैं। तो ये इतना एक्सप्रेशन से,
ये ए इज इक्वल टू एच माइनस एफ बाई एम प्लस एम जो है इतना एक्सप्रेशन से हॉर्स एंड कार्ट आगे बढ़ रहा है इस और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसीलिए ये यहाँ पर दिस इज द करेक्ट मैकेनिज्म ऑफ हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम।